केंद्र सरकार ने महंगाई पर दी राहत। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल हुआ 95.91 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 89.67 रुपए प्रति लीटर हुई। मुंबई में अब भी पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर है, डीजल हुआ 97.77 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर हुआ, डीजल 93 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल 88 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी दी है। सालाना 12 सिलेंडर पर मिलेगा 200 रुपए की राहत। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का होगा 9 करोड़ परिवार को फायदा। दिल्ली में अब उज्ज्वला गैस सिलेंडर की कीमत हुई 803 रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, लोगों को महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल के एक्साइज में कमी से केंद्र को होगा करीब 1,00,000 करोड़ के राजस्व का घाटा। गैस में सब्सिडी से 6,100 करोड़ का नुकसान होगा। तेल और गैस सस्ती होने पर बोले पीएम मोदी, हमारे लिए हमेशा लोग पहले होते हैं, जनता को बड़ी राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनता की समस्या को ध्यान में रखकर कल्याणकारी फैसला लिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम किए जाने पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसका समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 60 दिन में डीजल और पेट्रोल पर 10-10 रुपए बढ़ा दिया था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आंकड़ों की बाजीगरी कर जनता को मूर्ख न बनाए मोदी सरकार, 2014 से पहले वाली कीमत लागू की जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, उदयपुर में महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान के दबाव में केंद्र ने कम की एक्साइज ड्यूटी। अशोक गहलोत की मांग, अगर जनता को मोदी सरकार सच में राहत देना चाहती है तो यूपीए सरकार वाली कीमतें लागू की जाए। अशोक गहलोत ने भी पेट्रोल पर 2.48 रुपए और डीजल पर 1.16 रुपए वैट कम किया है। केरल सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर घटाया वैट। पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल पर 1.36 रुपए कम करने का ऐलान किया। तेल के दाम में कमी के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार को घेरा, कहा केंद्र सरकार के बराबर ममता बनर्जी की सरकार भी दाम कम करे। बीजेपी नेता अजय भट्ट ने की सरकार की तारीफ, कहा ऐतिहासिक काम हुआ है। सांसद नवनीत राणा ने तेल के दाम कम करने पर मोदी सरकार को शुक्रिया कहा, अब देखना है उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में लोगों को क्या राहत देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्लास्टिक प्रोडक्ट के कच्चे माल पर राहत का ऐलान किया, स्टील के कच्चे माल के इंपोर्ट पर भी ड्यूटी घटाने का ऐलान। केंद्र सरकार ने किसानों को भी राहत दी, वित्त मंत्री ने खाद पर 1,10,00,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की तस्वीरें सामने आई, बांस और बल्लियां रखी हुई नजर आई। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने में मिले हैं मंदिर के सबूत, स्वास्तिक कलश और त्रिशूल के निशान मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर घमासान के बीच मां श्रृंगार गौरी के पूजन का वीडियो सामने आया। नवरात्रि के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मां श्रृंगार गौरी के पूजा के दो वीडियो आए सामने, पहला वीडियो 2021 का है और दूसरा 2022 का। ज्ञानवापी के दक्षिण भाग के तहखाने पर व्यास परिवार ने ठोका दावा, कहा पर पीढ़ियों से कर रहे हैं विशेश्वर महादेव की पूजा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की आज पुणे में रैली है। एमएनएस ने रैली से पहले जारी किया एक वीडियो। राज ठाकरे वीडियो में पीएम मोदी से यूपी, बिहार और झारखंड पर खास ध्यान देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे पुलिस कमिश्नर ने 13 शर्तों के साथ राज ठाकरे को सभा की इजाजत दी है, विवादित बयान देने से बचने के लिए कहा है। पुणे पुलिस ने रैली में तलवार, विस्फोटक ले जाने पर लगाई रोक, ट्रैफिक जाम नहीं करने की हिदायत दी। पीएम मोदी करेंगे चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल का दौरा, 28 मई को गुजरात और 31 मई को हिमाचल जाएंगे। पीएम मोदी गुजरात के अतकोट में डीपी अस्पताल जाएंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 से 24 मई के क्वाड समिट में जापान जाएंगे पीएम मोदी, अमरीकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी होगी मुलाकात। डेफ ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों ने पीएम से अपने अनुभव शेयर किए। निशानेबाज धनुष श्रीकांत से पीएम मोदी ने की बात, श्रीकांत ने कहा लगातार प्रैक्टिस की वजह से कामयाबी मिली है। पीएम ने पहलवान वीरेंद्र सिंह से भी बातचीत की, वीरेंद्र ने कहा मेरे पिता और चाचा पहलवान थे, उन्हीं से मुझे भी प्रेरणा मिली। अरुणाचल के लोहित में गृहमंत्री अमित शाह भगवान परशुराम के मंदिर पहुंचे, 51 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की मूर्ति की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री अमित शाह को का 2 दिनों का अरुणाचल दौरा, कई विकास परियोजनाओं को दी की सौगात दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के अंतर को कम किया है। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, अगले साल तक असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद सुलझा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या करने वाला गिरफ्तार, मारने का वीडियो सामने आने के बाद पकड़ा गया आरोपी। असम के नौगांव में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, आग लगा दी। अलीगढ़ में आरटीआई एक्टिविस्ट पर केस दर्ज हुआ, पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और आपत्तिजनक बयान देने को लेकर कार्रवाई की। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रों के हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ। कॉलेज पहुंची पुलिस ने छात्रों से की पूछताछ, छात्रों ने पुलिस को
अंदर ले जाकर दिखाया। कॉलेज में एक तरफ जुमे की नमाज चल रही थी, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा। अंबाला में नेशनल हाईवे पर एक रेंज रोवर कार ने एक कार को पीछे से टक्कर मारी। कार में ड्राइवर की मौत, 3 लोग जख्मी। रेंज रोवर में सवार नशे में धुत 2 लड़कियों का पुलिस ने हिरासत में लिया। लड़कियों ने पुलिस के साथ की बदसलूकी। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक ने 3 संतों को कुचला। हादसे में 2 संतों की मौत हुई, 1 संत जख्मी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बिंदापुर में भारी मात्रा में बम मिले। पुलिस ने सभी बमों को सीज किया। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 11 तस्करों को गिरफ्तार किया, ट्रकों से कर रहे थे तस्करी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने करीब 900 किलो गांजा बरामद किया, 6 लोगों को पकड़ा गया। फरीदाबाद में सेक्टर 37 में बैटरी की एक फैक्ट्री में आग लगी, 3 लोगों की जलने की वजह से मौत हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अवैध तरीके से चल रही बस, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड से हटाए जाएंगे। ट्रैफिक अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, फील्ड में उतरे, स्थानीय प्रशासन से मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करें। कानपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, मोहम्मद आसिफ नाम के एक शख्स के अवैध तरीके से बनाए गए 7 दुकानों को तोड़ा गया। तेलंगाना में सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के मोतीबाग में स्कूल का दौरा किया, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहे। सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के रामकृष्णपुरम में मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा किया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। तेलंगाना के सीएम के साथ उनके मंत्री और सांसदों ने भी दिल्ली में स्कूलों का दौरा किया, केजरीवाल ने सभी का स्वागत किया। सीएम केसीआर ने कहा, दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर अच्छा काम किया है। पंजाब के मोहाली में दूध उत्पादकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दूध का दाम नहीं बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में जनता के बीच पहुंचे, पानी की समस्या को लेकर घर घर जाकर लोगों से हालचाल लिया। यूपी के गोरखपुर में तपती गर्मी से लोग परेशान, मुंह ढककर लोग निकल रहे हैं बाहर, ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। बिहार की राजधानी पटना के आसपास आंधी के तूफान से किसानों में छाई मायूसी, प्याज और दूसरी फसलों को पहुंचा है काफी नुकसान। असम के नौगांव में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, कोलोंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से आसपास के घरों में पानी भर गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। असम के बाढ़ से प्रभावित होजोई में बांटी गई राहत सामग्री, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को घेरा, कहा चीन सीमा पर गांवों और सड़कों का निर्माण कर रहा है। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे, फ्रंटलाइन सैनिकों और कमांडर से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, राहुल भट्ट की याद में सिर मुंडवाया। 12 मई को आतंकियों ने राहुल की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आर्मी ने किया व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, टूर्नामेंट में कश्मीर के हर जिले से खिलाड़ी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम ने जनता का शुक्रिया अदा किया, कहा देश की सेवा का मौका देने के लिए सभी देशवासियों का दिल से शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के कंजर्वेटिव पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चुनावी हार को किया स्वीकार, न्यूज एजेंसी AFP रिपोर्ट के हवाले से आई खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डॉनबास में हालात को बताया मुश्किल, कहा यूक्रेनी सेना रूस का मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया रूसी क्षेत्र में हमले से इनकार, डॉनबास को बताया यूक्रेन का हिस्सा। रूसी सेना खेरसोन के काखोव का पावर स्टेशन की सुरक्षा में जुटी है, खेरसोन में रूसी सेना का कब्जा है। रूसी सेना का दावा, ओडिशा पोर्ट पर यूक्रेनी ईंधन डिपो को किया मिसाइल से तबाह। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी और यूक्रेन की सेना के बीच जंग जारी है, यूक्रेनी सेना ने रूस के हमले को नाकाम किया। खार्किव में भारी तबाही के बावजूद कई नागरिकों की घर वापसी हो रही है, यूक्रेन ने खार्किव से रूसी सेना को निकालने में पाई है कामयाबी। अमेरिका के मिशिगन में टॉर्नेडो से भारी तबाही हुई है, 2 लोगों के मौत की खबर। जर्मनी के कुछ हिस्सों में आए बवंडर से 40 लोग जख्मी हो गए, मौसम विभाग ने काफी तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की थी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत को बेहतरीन चाय के वैश्विक सप्लायर बनाने पर जोर दिया, कहा चाय की गुणवत्ता सुधारने में की जाएगी मदद। भारत में श्रीलंका को भेजी 56 करोड़ की खाद्य सामग्री, चावल दूध और दवा की पहली खेप आज कोलंबो पहुंचेगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने जीता अपना आखिरी लीग मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। हार के साथ दिल्ली का सफर आईपीएल में खत्म हुआ, बेंगलोर प्ले ऑफ में पहुंचा। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए थे, मुंबई ने 19 ओवर और 1 गेंद में ही टारगेट हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह रहे सबसे कामयाब गेंदबाज, 25 रन देकर 3 विकेट लिए। बुमराह को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली की तरफ से रोमन पॉवेल ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, कप्तान ऋषभ पंत ने खेली 39 रनों की पारी। हार के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी पर बोले दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग, कप्तानी के लिए ऋषभ पंत सही चॉइस, इस पर कोई शक नहीं है। प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों के नाम तय हुए, गुजरात, राजस्थान, लखनऊ और बेंगलोर की टीम प्लेऑफ में पहुंची है।
24 मई को खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला, गुजरात और राजस्थान के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर पंजाब किंग्स से होगी, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। बहरीन पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रमोद भगत ने जीते 2 गोल्ड मेडल, तरुण ढिल्लो ने भी मेन सिंगल्स में गोल्ड जीता। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत का कमाल, भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन से बाहर हो गई, सेमीफाइनल में चीन के खिलाड़ी ने 17-21, 16-21 से हरा दिया। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब बचाने कोर्ट में उतरेंगे नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल से मिलेगी टक्कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।